डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो कोई एक जगह एक की दूसरी जगह कोई ले लेगा, ठीक है। मान लेते एक एटम ए बी है, ठीक है, इसकी ए वाले की जगह कोई एटम सी आकर के ले रहा है। मीन्स वन एटम प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाई अनदर एटम, एक एटम की जगह एक एलिमेंट की जगह कोई दूसरा ले रहा है। डिफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, दूज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस द पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट। वन एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। वन एलिमेंट टेक प्लेस पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट। एग्जाम्पल समझेंगे इसको, ये क्या हो रहा है इसमें। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल इसमें होता क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह क्यों लेगा, क्योंकि जो एलिमेंट दूसरे की जगह ले रहा है इसका मतलब वो ज्यादा ही रिएक्टिव हो गया दूसरे वाले के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 में सब पढ़ने में अच्छे हैं। एक बच्चा उसमें से मान लेते सेकंड आता है, एक दूसरा बच्चा सेकंड पोजिशन पर, ए वाला ए फर्स्ट पे आता है, बी वाला सेकंड पे आता है। अगर बी वाला पढ़ाई में और अच्छा हो गया, इसकी पोजिशन चेंज कर लेगा, ए वाला फिर बी वाले पोजिशन पे आ जाएगा। मीन्स ए वाला अब सेकंड पे आ जाएगा, बी वाला फर्स्ट चला जाएगा। मीन्स बी वाला ज्यादा ही स्टेबल हो गया है, ठीक है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं, एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले की पोजिशन को ले लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। वैसे मैसे हो रहा है, मीन्स जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अपनी पोजिशन उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। अगर इसको हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cu2+ चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे भी 2+ चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करेगा। मैग्नीशियम कॉपर को क्यों रिप्लेस करेगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या फॉर्म होगा, MgSO4 और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, कॉपर। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजिशन को ले रहा है। मैग्नीशियम यहाँ से उठा, CuSO4 के आगे लग गया और कॉपर को बाहर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये एग्जांपल हो गया। ये ब्लू कलर का होता है CuSO4, और ये जो MgSO4 बनता है ये कलरलेस, ये ब्लू सोल्यूशन होता है इसका, और ये कलरलेस, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल CuSO4 कंबाइन विथ आयरन, CuSO4 कंबाइन विथ Fe, Fe क्या होता है, आयरन। तो क्या फॉर्म होगा, FeSO4, क्योंकि Fe 2+ भी होता है 3+ भी होता है, तो यहाँ पे 2+ वाला है, ठीक है। Cu को बाहर कर दिया, कॉपर बाहर हो गया। यहाँ पे कौन सा कलर, CuSO4 कौन सा कलर होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का है। FeSO4 कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है, ठीक है। कॉपर फिर से यहाँ पे बाहर हो गया। और एग्जांपल्स की बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्यों रिप्लेस करा है एक दूसरे की पोजीशन, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो हम लोग का कॉपर सल्फेट का दो रिएक्शन देख लिए हम लोग, एक मैग्नीशियम के साथ देख लिए और एक दूसरा आयरन के साथ देख लिए। नेक्स्ट कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं, कॉपर क्लोराइड कैसे बनेगा। कॉपर क्लोराइड मतलब Cu2+ होता है, 2+ चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो CuCl2 हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं Pb के साथ, Pb क्या होता है, लेड, लेड के साथ रिएक्ट कराओगे, फिर से यहाँ पे कॉपर रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, PbCl2, क्योंकि Pb2+ भी होता है जैसे कॉपर 2+ होता है, इसको रिमूव कर देगा, Cu बाहर हो गया। तो मैक्सिमम केस में हम लोग देख रहे हैं कॉपर बाहर हो जा रहा है, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 की बात करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, Ag क्या होता है, सिल्वर, Au क्या होता है, गोल्ड, याद रखना इस चीज को। Ag क्या होता है, सिल्वर, और Au क्या होता है, गोल्ड, यह हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, इसको किस साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर Cu2+ होता है, Cu क्या हो जाएगा, NO3 माइनस चार्ज होता है, तो 2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ Ag बाहर हो जाएगा, 2 सिल्वर मोल बाहर हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड फॉर्म के लिए इसको ऐसे लिखा गया है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में भी 2 मोल था, कंबाइंड रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं Na, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम लिया हमने,
कंबाइन कर दिया वाटर के साथ, H2O के साथ कंबाइन कर दिया, क्या फॉर्म होगा? H2O कैसे ब्रेक डाउन करता है? H प्लस अलग होता है, OH माइनस अलग होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, Na प्लस जाएगा नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन करने के लिए, तो क्या फॉर्म करेगा? NaOH, और क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन H2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है और एक को रिप्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये क्या है? मेटल है तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो वही रिएक्टिविटी का ही बेसिस है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स या एटम या एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट एटम मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है? थैंक यू।